हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 11th फिजिक्स जो हम देख रहे थे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का लेसन। स्टूडेंट, हमने उसमें लास्ट टाइम जो देखा था वो आपका सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को हमने समझा था, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने देखा होगा जरूर, जहाँ पर हमने सरफेस एनर्जी को डिटरमाइन किया था। स्टूडेंट, जो इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो इसमें हम कवर करेंगे वो आपके होंगे एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड, तो मैं इन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में। मैं बता रहा हूँ कि जो इससे पहले आपको कराया था सरफेस एनर्जी और जो आगे करेंगे वो दोनों के बीच में कोरिलेशन है, तो आप उसे पढ़ लो। अभी जो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट टॉपिक है, उसका नाम है मेनिस्कस। सो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि किस तरह से किसी लिक्विड से मेनिस्कस फॉर्म होता होगा। मेनिस्कस कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप का एक फॉर्मेशन होता है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी ये एक वेसल है और वेसल में हमारा कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड हमारा कंटेन करता है। सो स्टूडेंट, इसमें मान लिया, मैंने एज्यूम किया कि ये लिक्विड, इसमें एज्यूम इस तरह से लिक्विड इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये लिक्विड है आपका पूरा का पूरा, इसमें इस वेसल में लिक्विड फिल है स्टूडेंट, और ये है आपका कंटेनर जिसमें लिक्विड क्या होगा, फिल होगा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, साथ ही साथ मैंने इसको होगा क्या वो अभी बताता हूँ, पहले आप इसी को देख लीजिए। सो स्टूडेंट, वैसे एक बहुत माइन्यूट सा एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, और एक ग्लास जो हमारे पास होगा कांच का ग्लास, तो उसमें अगर आप देखें तो ये वाटर का एक शेप हमें कुछ इस तरह का शेप दिखाई देता है, अगर बाई चांस देखें, और वो नहीं दिखाई भी देगा, उसका कम दिखाई देने का रीजन भी है जो हम आगे कैपिलरी में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, लेकिन हमें कुछ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो हमें कुछ इस तरह का कर्व्ड सर्फेस दिखाई देता है। तो लिक्विड में जो ये कर्व्ड सर्फेस जनरेट होता है, इसी कर्व्ड सर्फेस को हम कहते हैं मेनिस्कस। अब वो कर्व्ड सर्फेस ऐसा भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, उसी को अभी हमने समझ लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस तरह से इसमें फ्लूइड है। अब अगर मैं इस कॉर्नर वाले, अगर मैं इस कॉर्नर के स्टूडेंट्स इस लिक्विड पोर्शन की बात करूं, जो यहाँ पर कॉर्नर में लिक्विड का आपका जो फ्लूइड का जो पार्टिकल होगा उसकी अगर बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ की जो इस तरफ इसके इस साइड जो लिक्विड होगा उन सभी के, और जो इस तरफ इसके लिक्विड होंगे उन सभी के कॉन्टेक्ट में, और साथ में इन साइड वालों के कॉन्टेक्ट में भी है। अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से 1/4 इस अगर सर्कल की बात करूँ तो उसका उसके कॉन्टेक्ट में है, उस फ्लूइड के जो 1/4 का एक क्वाड्रेंट बना हुआ है उसके कॉन्टेक्ट में। सो स्टूडेंट, आप देखेंगे कि इस पर नेट फोर्स इधर को एक्सट्रीम, अगर मैं देखूँ एक्सट्रीम फोर्स इस पर कहाँ लग रहे हैं, इस पार्टिकल पर, एक तो ये है इसका एक्सट्रीम पोजिशन और एक एक्सट्रीम पोजिशन है इसकी ये, तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम से इन दोनों का रिजल्ट क्या होने वाला है ये। सो स्टूडेंट, इस पर अगर मैं बात करूँ नेट फोर्स की, तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सा फोर्स है जो इसके वाटर मॉलिक्यूल इस पर लगा रहे हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हम कहते हैं, वीक फोर्सेस जो होते हैं वही वाले फोर्सेस। सो स्टूडेंट, जब ये इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने इसे एफ ऑफ सी नाम दे दिया, कोहेसिव फोर्स। आपने देखा था कि कोहेसिव फोर्सेज आर दोस फोर्सेज विच एक्ट इन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट, ये उसी तरह का आपका कोहेसिव फोर्स है, ये तो आपका कोहेसिव फोर्स हो गया जो मैंने बताया कि इन सभी एक्सट्रीम के रिजल्टेंट के इक्वल होगा जो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। और स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि ये वेसल, वेसल जो आपका ग्लास हो सकता है या फिर और भी कुछ प्लास्टिक हो सकता है, जो भी इसमें भी आप ऐसे कंटेन किया हो, उस वेसल की भी अपनी टेंडेंसी है, जो इसके मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या स्टिक होना चाहता है, या यूं कहें इस वाटर के मॉलिक्यूल और इस प्लास्टिक या जो भी ये सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल के साथ एक जुड़ने की भी टेंडेंसी होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक जनरल सब्सटेंस लिया, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस फोर्स को हम कहते थे एडहेसिव फोर्स, मतलब किसी दूसरे पार्टिकल से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है। सो स्टूडेंट, उससे जुड़ने की जो टेंडेंसी होगी उसे मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, वो है आपकी एफ ऑफ ए, एडहेसिव फोर्स। इस जो आपका ये जो सब्सटेंस है उसके साथ स्टिक होने की टेंडेंसी वो एफ के फोर्स से दिखाई जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि ये अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, तो उसी से हमारे मेनिस्कस भी फॉर्म होंगे। सो स्टूडेंट, देखिए जरा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये एफ सी जो आपका है, जैसे आपको दिख ही रहा है कि एक इस तरह का फॉर्मेशन है कि बिल्कुल 90 डिग्री का फॉर्मेशन है इस तरह का। सो स्टूडेंट, इनका जो रिजल्टेंट आएगा आप जानते हैं वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि दोनों ही इस तरह भी वाटर पार्टिकल्स है, इस तरह भी वाटर पार्टिकल्स है, इसीलिए इक्वल अमाउंट में इसे क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो इसीलिए जो एंगल होगा वो भी इक्वली होगा, मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 ही होगा क्योंकि 90 है। सो स्टूडेंट, अगर ये एफ सी इसका ये इस डायरेक्शन में फोर्स था, तो इस फोर्स के कॉम्पोनेंट यहाँ पर बन सकते हैं, तो फोर्स के कॉम्पोनेंट अगर आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ सी कॉस 45। ये आप जानते हैं इजीली कॉम्पोनेंट कैसे लेते हैं, वेक्टर में हमने देखा। इसी तरीके से स्टूडेंट, इस फोर्स का एक हमारा एक तो क्या बना इस डायरेक्शन में, और दूसरा आपका इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आ गया जो होगा एफ सी साइन 45। तो स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूज ना करें कि एफ सी कॉस 45 यहाँ हो या यहाँ हो,
क्योंकि आप जानते हैं cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू भी इक्वल होती है जो कि 1/√2 की होती है। सो स्टूडेंट कोई अगर 45 इसे लेकर FC sin cos 45 भी करे तो कोई बात नहीं। सो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो फोर्स है उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर बना रखा है कि इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस FC था, रिजल्टेंट उसके अगर हमने वेक्टर उसके कंपोनेंट अगर हमने बनाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हमने उसके बनाए तो वो इस तरह से FC cos 45 और FC sin 45 बने। सो स्टूडेंट अब देखते हैं कि इनमें बैलेंसिंग किससे चलती है। देखिए यहाँ पर एक एफ ए हमारा ऊपर पे जो दिखा रखा है एडहेसिव फोर्स वो इस तरह से वर्क कर रहा है। अब स्टूडेंट हमें ये पता चला कि इस पार्टिकल पर इस तरह के फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, जहां पर इस फोर्सेस को मेंशन करना अब सही नहीं रहेगा क्योंकि इसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो ये फोर्स अब वैनिश हो चुका है। अब ये और ये उसके ये 90 डिग्री पर हमारे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। सो स्टूडेंट अब देखते हैं कि ये फोर्स जो है, ये फोर्स और कौन है, ये कोई और नहीं है इसका एम जी फोर्स, एम जी ही तो है जो इसको इस डायगोनल डायरेक्शन में खींच रहा है। मतलब हम कहेंगे कि इसका तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर शो हो जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। मतलब ये कि अगर मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हूं तो n इज इक्वल टू एफ सी कॉस 45 होगा। स्टूडेंट जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा इस अपर पार्ट का एम जी के साथ ये n। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं एफ ए और एफ सी साइन 45 में, अब ये एफ ए और एफ सी साइन 45 हो जाए ये रेयर केस है, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एडहेसिव फोर्स है और एडहेसिव फोर्स में यहाँ पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का सब्सटेंस यहाँ पर लिया गया है, और हो सकता है सब्सटेंस प्लास्टिक लिया गया हो तो कुछ एडहेसिव फोर्स कुछ और आएगा, और अगर हो सकता है वहां पर ग्लास लिया हो तो एडहेसिव फोर्स कुछ और आएगा। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं, जबकि ये एफ सी साइन 45 हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा इस वाटर के लिए, तो अगर मैं मान भी लेता हूँ कि प्लास्टिक के लिए ये दोनों इक्वल है तो ग्लास के लिए तो ये इक्वल नहीं होंगे ना, तो इसीलिए मुझे क्या कहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होंगे। मतलब ये कि कभी एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी साइन 45 हो सकता है, या कभी हो सकता है एफ ए इज लेसर देन एफ सी साइन 45, या स्टूडेंट किसी रेयर केस में हो भी सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखें, दोनों इक्वल है ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस तरह का मटेरियल आपने यहाँ पर लिया है। तो स्टूडेंट इन्हीं केसेस पर हम बात करेंगे कि अगर हम एफ ए को बड़ा करें किस केस में, देखते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आप समझ गए, देखिए मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, तो मैं केस ले सकता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर अगर हम केस ले लें, केस क्या हो सकता है स्टूडेंट, फर्स्ट कि इफ एफ ए एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एफ सी साइन 45। स्टूडेंट आप साइन 45 की वैल्यू इजीली जानते हैं, 1/√2 होती है, तो मैं इसे न्यूमेरिक वैल्यू में इसको लिखता हूँ तो ये आपकी एफ सी बाय रूट टू हो जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट केस आया आपका कि इफ एफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन एफ सी अपॉन रूट टू, मतलब ये कि ये एडहेसिव फोर्स इस वाले कंपोनेंट से, मतलब क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी तरफ भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स में एफ सी साइन 45 नेट फोर्स का 1/√2 हिस्सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, और इस तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा था उसे तो हमने नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस करवा दिया। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यानी कंडीशन हो कि ये वाला कॉम्पोनेंट ग्रेटर हो, मतलब ये कि ये कॉम्पोनेंट बड़ा हो और ये कॉम्पोनेंट हमारा लेसर हो, इस पर बात करनी है। देखते हैं स्टूडेंट, मैं इसे रब कर रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए, अब हम देखते हैं आगे। सो स्टूडेंट अगर मैंने बात की कि एफ ए अगर एफ सी रूट टू से बाय रूट टू से बड़ा हो, इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, यही होगा कि एफ ए ये आपका एफ ए है, ये बड़ा है आपका किससे, यहाँ पे एफ ए होगा और ये आपका एफ सी बाय रूट टू। अगर मैं इसको मतलब फिजिकली समझाऊं तो यही तो मतलब निकलता है कि यहाँ से फोर्स लग रहा है वो इतना हैवी अमाउंट का फोर्स है, हायर अमाउंट का, और ये कम अमाउंट का फोर्स है। तो आप जानते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि इस तरफ फोर्स जो है हमारा वो डोमिनेटिंग है और उस तरफ का फोर्स आपका लेसर है, सो स्टूडेंट इस केस में आप क्या जानते हैं कि नेट फोर्स का इफेक्ट इसी तरफ आएगा। इस तरफ इफेक्ट आने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें ये एफ सी रूट टू, ये अगर मैं समझा दूं आपको वो यही है वेसल आपका, इसी को वेसल में फॉर्म करता हूँ। देखिए स्टूडेंट यही था आपका, इस तरह का वेसल था, इसमें एफ सी बाय रूट टू इस पार्टिकल को इस तरह से खींच रहा था वाटर के कॉम्पोनेंट से, और ये आपका प्लास्टिक या जो भी सब्सटेंस आपने लिया है उसका जो एडहेसिव फोर्स था वो इस तरफ खींच रहा था। सो स्टूडेंट इससे आप समझते हैं कि नेट फोर्स डोमिनेट इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो होगा वो आपका आएगा एफ ए माइनस एफ सी बाय रूट टू, और किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, यस लेफ्ट साइड, जिस साइड एडहेसिव फोर्स है उसी तरफ होगा क्योंकि एडहेसिव फोर्स आपका क्या है, डोमिनेट है। अब स्टूडेंट आप बताइए कि इस पार्टिकल पर एक फोर्स नेट इधर की तरफ लग रहा है, मतलब इस पार्टिकल पर ऐसे ही अगर मैं इस पार्टिकल पर बात करूं सभी को इस तरफ खींचा जा रहा है नेट फोर्स, तो
तो अगर इन पार्टिकल्स को नेट फोर्स से इधर की तरफ अगर खींचा जाए या पुल किया जाए सो स्टूडेंट, तो क्या होगा, क्योंकि आगे तो वेसल है और वेसल को तो ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो हम क्या, ये क्या करेगा पार्टिकल जो लिक्विड का, क्योंकि आप जानते हैं फ्लूइड में कैसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्लूइड में, तो क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो पार्टिकल्स आपके सारे के सारे खींचे जा रहे हैं इस तरफ को, वो क्या करेंगे, इस तरफ से अपने आप को शिफ्ट कर देंगे, इस तरह की शिफ्टिंग उनमें एग्जिस्ट करेगी। आप इजीली समझ पा रहे हैं कि अगर सारे वाटर को इधर खींचा जाए तो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ ही चढ़ने लग जाएगा, उसमें राइज होगा इस तरह का। ये आप इजीली समझ पा रहे होंगे इसमें, आप समझ रहे हैं आराम से कि अगर ये पार्टिकल को नेट फोर्स अगर इन सभी को इधर खींचा जाए तो, क्योंकि ये पेनिट्रेट तो कर सकते हैं नहीं वेसल वेसल को, तो स्टूडेंट ये क्या करेंगे, इस तरह से राइज हो जाएंगे, राइज हो जाने से नीचे कुछ कुछ अमाउंट बच जाएगा ताकि अगले आने वाले के लिए रास्ता बन जाए। स्टूडेंट इस तरह का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन यहाँ में देखने को मिलेगा, कब, जब एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय रूट टू होगा। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इस बात को जो मैंने यहाँ पर कही थी, अब मैं इसे अगर थोड़ा सा क्लियर बना लूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ये केस है, जो मैंने केस यहाँ पर लिखा है, इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय रूट टू, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके आसपास और भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे, उनमें हमें एक जो चीज देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि इनमें राइजिंग हो गई, यहाँ से ये राइज कर गए, समझ सकते हो, क्योंकि इस तरह का फोर्स डोमिनेटिंग था, वेसल को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, तो स्टूडेंट ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, कुछ हाइट पर ऊपर उड़ गया, या समझ पा रहे, इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, राइजिंग हो गई। और इसी तरीके से क्योंकि यहाँ भी वेसल है और वेसल वही फिनोमिनन जो उस तरफ हुआ सिमेट्री सिटी से यहाँ भी होगा, और स्टूडेंट यहाँ पर भी इस तरह का क्या हो जाएगी, राइजिंग हो जाएगी, और हमारा शेप कुछ ऐसा मिल जाएगा, मतलब कुछ कर्व्ड सरफेस मिल जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस हमें मिलेगा, और आप समझ गए कि यही हमारा क्या है, मेनिस्कस, इसी का नाम स्टूडेंट हमने मेनिस्कस का, ये आप समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्टूडेंट आप समझ गए कि केस वन हुआ था। इसी तरीके से अगर केस सेकंड एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट वैसे थोड़ा इनफॉर्मल है, मैं अगर आपको बिल्कुल समझाने ही चाहूँ तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, मतलब ऐसा ही अगर थोड़ा एज्यूम करवाने के लिए, थोड़ा इनफॉर्मल है स्टूडेंट, एक इस तरह का एक एड आता है बंगर सीमेंट का, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ ये बताने से, इसीलिए मैंने बता ही दिया। इसमें आप देखेंगे कि वो जो भी एक थीफ रहता है वो ट्रक लेके भागेगा, आगे वॉल रहती है, तो क्या होता है ट्रक लास्ट में, ट्रक हमारा बंगर सीमेंट इतना ज्यादा मजबूत रहता है उसमें बताने की कोशिश है कि इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, वैसे ही जैसे ये वाटर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो आप देखेंगे कि ट्रक ऐसा हो गया, भले ही वो रियलिटी हो ना हो आप जानते हैं कि वो कोलाइड कर जाएगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल जो आपको फील करवाना चाह रहा हूँ उसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपने देख लिया, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है केस सेकंड पर। स्टूडेंट देखिए केस सेकंड क्या हो सकता है कि हमारा जो नेट फोर्स था इस ये वाला फोर्स, क्योंकि आपने देखा इस समय हमारा ये फोर्स डोमिनेट था, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय रूट, ये कुछ लेसर अमाउंट में था। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड में हमारा ये वाला जो एफ ए है, एफ ए इज लेसर देन एफ सी बाय रूट टू हो जाएगा, एफ सी बाय रूट टू से अगर स्टूडेंट छोटा हो जाए तो इसका मीनिंग क्या समझ में आता है, इसका मीनिंग यही बनता है कि जो ये वाला फोर्स है ये डोमिनेट हो गया और ये वाला फोर्स कमजोर हो गया, तो उसके लिए एफ ए वेक्टर हो गया और ये आपका क्या है एफ सी बाय रूट टू, ये डोमिनेटिंग है इस बार, मतलब जो फ्लूइड का फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्सेस है वो डोमिनेट है, और इससे पहले हमारे एडहेसिव फोर्स डोमिनेट थे। सो स्टूडेंट ऐसे केस में क्या होगा, उसी की तरह समझते हैं, इस बार ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरफ खींचने वाला फोर्स मजबूत है, अगर ये फोर्स मजबूत है तो नेट फोर्स का अपना इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट मतलब क्या, मोशन होना चाहिए, मोशन मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आने चाहिए, मतलब कि वाटर को शिफ्ट कर देना चाहिए। अब स्टूडेंट अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ शिफ्ट करना चाहिए तो क्या करेगा, यस करेगा, क्योंकि अब वो वाटर मॉलिक्यूल का शिफ्ट करे तो उसके सामने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इससे पहले क्या था ये वॉल थी इस कंटेनर की जिसने वो उसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था इसलिए ऊपर को राइज कर लिया, लेकिन अभी तो ऐसी कोई वॉल नहीं है। सो स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल अभी शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच जाए, ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, इसी तरीके से स्टूडेंट जो मॉलिक्यूल जहाँ है वो वहां पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मॉलिक्यूल का स्पेस खाली रह जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेशन स्टूडेंट यहाँ पर होगा, ये फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। आप समझ गए कि इस बार जो बनेगा वो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, ये मतलब इस बार जो शेप बना वो ऐसा है, आप समझ चुके हैं क्या हुआ स्टूडेंट, इस बार जो कर्व सरफेस हुआ वो नीचे को बन गया, और कॉन्वेक्स आप जानते हैं इसे कॉन्वेक्स कहना चाहिए, और जो ऊपर हमने देखा था वो आपका कॉनकेव था, आप जानते हैं इसे कॉनकेव मेनिस्कस कह सकते हैं, कॉनकेव मेनिस्कस। और ये स्टूडेंट ओ सॉरी स्टूडेंट हाँ कॉनकेव, और ये आपका कैसा है
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा हो गया, लेकिन किसी के शायद ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि यहाँ पर ये जब इस तरह से शिफ्टिंग हुई तो ये वाला पार्टिकल तो यहाँ चला गया, लेकिन ये वाले पार्टिकल क्यों नहीं गए होंगे। स्टूडेंट गए सभी पार्टिकल है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही नीचे वाले पार्टिकल गए होंगे तो ऊपर वाले पार्टिकल ने उन्हें कवर कर दिया होगा। जब नीचे वाले पार्टिकल ने भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ऊपर वाले के बराबर, तो ऊपर का जो वेट है उसके जो बाकी के फ्लूइड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर क्या करते रहेंगे, कवर कर देंगे उस चीज से। जबकि ऊपर वाले पार्टिकल को कवर करने के लिए जो ये डोमिनेटिंग हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़े अमाउंट में जो स्पेस छूट रहा है खाली वाला, उसको फिल करने के लिए ऊपर से पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऊपर का पोर्शन हमारा कुछ हाइयर अमाउंट में दिखाई दे रहा है जो हाईलाइट हो रहा है। तो स्टूडेंट यही आपका था जो आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरह का जो मेनिस्कस बनेगा आपका, ये कैसा मेनिस्कस है आप देख के समझ जा रहे होंगे, ये मेनिस्कस का टाइप है आपका कॉन्केव। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो एक्चुअल लेवल होगा, एक्चुअल लेवल में कुछ ना कुछ डिप्रेशन आएगी, समझ रहे ना, एक्चुअल लेवल में कुछ डिप्रेशन आएगी, यहाँ पर ही आपका एक फ्री स्पेस छूट जाएगा। और यहाँ पर आपके एक्चुअल लेवल में, ये आपका एक्चुअल लेवल था, यहाँ पर एक्चुअल लेवल ये था, इसमें कुछ क्या आएंगे आपके एलिवेशन आएंगे, आप समझिए कुछ ना कुछ इसमें राइज होगा। तो स्टूडेंट यही था आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अभी केस थर्ड भी बन सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। तो उसमें होगा एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय रूट। तो जब एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय रूट टू होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि इस पार्टिकल को दोनों ही तरफ से इक्वल अमाउंट में क्या करा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट अगर इसे दोनों ही तरफ से इक्वल अमाउंट में पुल किया जाएगा, यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल, तो नेट फोर्स जीरो आएगा। जीरो फोर्स आने से जैसा मेनिस्कस है वैसा ही रहेगा, सॉरी मेनिस्कस बनेगा ही नहीं, इसे प्लेन मेनिस्कस कह सकते हैं, मतलब प्लेन सर्फेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट आप समझ गए ये वाला केस ही था। तो इसी तरीके से हम मेनिस्कस को स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, मैं इसे रफ कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि एक बार कॉन्केव, एक बार कॉन्वेक्स और एक बार प्लेन। हाँ मैं कुछ बता दूं स्टूडेंट, इसमें एग्जाम्पल दे दूं आपको। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने कभी ग्लास में, ध्यान रखिए ग्लास की बात कर रहा हूँ स्पेशल, ग्लास में अगर आपने क्या डाला कभी H2O, वाटर को अगर आप ग्लास में डालेंगे, तो स्टूडेंट जब वाटर ग्लास में जाता है तो इस तरह का फॉर्मेशन, मतलब वाटर और ग्लास के बीच में ये वाला फोर्स इससे घटन होता है। जबकि स्टूडेंट अगर आप मरकरी को डालें ग्लास में, किसको, मरकरी को, अगर आप मरकरी Hg जो होता है उसे अगर आप ग्लास में डालें तो आपको इस तरह का फॉर्मेशन दिखाई देगा। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब हम वाटर को डालते हैं ग्लास में और फिर वाटर को पूरी तरीके से क्या करते हैं, एम्प्टी कर देते हैं ग्लास को, तो हम देखते हैं कि ग्लास में कुछ जगह पानी के मॉइस्चर हमें दिखाई देते हैं। वो स्टूडेंट क्यों, क्योंकि वो इस तरह की राइजिंग यहाँ पर हुई है, मतलब कि एक्स्ट्रा जो सरफेस था उसे भी कवर किया गया, यही रीजन है, क्योंकि स्टिक होने की टेंडेंसी ज्यादा है एडहेसिव फोर्स। जबकि यहाँ पर मरकरी के केस में स्टूडेंट, मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा ग्रेटर है, ये फोर्स ग्रेटर है और ये फोर्स आपका लेसर अमाउंट में क्या होता है, डोमिनेट। तो इसीलिए ये वाला फोर्स ग्रेटर होने से इनकी आपस में स्टिक होने की, एच जी से स्टिक होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिससे वो क्या होता है, ग्लास से स्टिक नहीं होता है। आप समझते हैं, देखिए डिप्रेशन लिखा है, मतलब उसे स्टिक ना होने की टेंडेंसी यहाँ शो कर रहा है, इसलिए आपका मरकरी क्या होता है, ग्लास में स्टिक नहीं होता। मरकरी को अगर आप हटा भी नहीं तो बाद में मरकरी था या नहीं का पता नहीं चलेगा। सो स्टूडेंट यही टेंडेंसी है इनकी, तो यही इनके रीजन मिले। सो स्टूडेंट ये आपने देख लिया, अभी मैं नेक्स्ट इसके बारे में बता। देखिए स्टूडेंट्स अभी जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है वो है आपका कॉन्टेक्ट एंगल। देखिए स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट एंगल, कॉन्टेक्ट एंगल स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह का यही वो वेसल जो था वो इस तरह से, अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास इस तरह का, मैं थोड़ा ब्रॉड वे में बना रहा हूँ वैसे थोड़ा जूम करके, तो देखिएगा इस तरह का हमारे पास फॉर्मेशन है, मतलब कि राइजिंग इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ कि सरफेस से राइजिंग इस तरह से, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे स्टूडेंट ये इस तरह से। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये मेनिस्कस का राइज होना किस बात पर डिपेंड करता है और कब राइजिंग ज्यादा हो, कब हमें मेनिस्कस क्लियर दिखाई दे, इन बातों पर स्टूडेंट हमें आगे पर टॉपिकों में पढ़ना है, आगे हमारे इसी बारे में, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है आपका मेनिस्कस का। सो स्टूडेंट इसमें ये मैं अगर बात करूँ कॉन्केव मेनिस्कस की, तो इसमें अगर मुझे कॉन्टेक्ट एंगल फाइंड करना, तो देखिए ये पार्टिकल जो आपका, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पर, इस पार्टिकल पर जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट का है, जो स्टिक है इसके साथ आपका कंटेनर के साथ, उससे अगर आप एक टेंजेंट खींचे इस तरह का, एक टेंजेंट आपका इस तरह का ड्रॉ करे, और वो टेंजेंट आपका किसके साथ, ये कंटेनर के साथ जिसमें आपका फ्लूइड है, जो एंगल बनाता हो वो आपका कॉन्टेक्ट एंगल है।
मतलब ये समझ पा रहे होंगे आप नैनो सीरीज का कॉन्टेक्ट एंगल, मतलब कॉन्टेक्टिंग एंगल, मतलब ये क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल कॉन्टेक्ट में है नहीं, और आप जानते हैं कि इसी से एंगल से ही हम मेजर कर पाएंगे कि कौन पार्टिकल ने कितनी हाइट रेस करी या कितनी नहीं करी। सो इसलिए हम स्टूडेंट यहाँ पर कॉन्टेक्ट एंगल नाम का वर्ड ले रहे हैं ताकि हमें मेनिस्कस के बारे में पता चल पाए कि मेनिस्कस किस हाइट तक राइज हुआ। तो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि हम देखेंगे भी आगे, ध्यान रखें हमने आगे देख लिया है जुरीन्स लॉ, जब हम देखेंगे तो वहां पर भी हम समझेंगे इस बात को जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं आपको फेमिलियर करा रहा हूँ कॉन्टेक्ट एंगल से। तो स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया कि कॉन्टेक्ट एंगल कौन सा है जो इस पॉइंट पर, जो कॉन्टेक्टिंग पॉइंट है जो लिक्विड और इस सब्सटेंस का जिससे कि मटेरियल बना हुआ है आपका कंटेनर, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट का क्या करना है, टेंजेंट उस पर ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट का एंगल लेना है किसके साथ, वेसल के वॉल के साथ, इस वेसल की वॉल के साथ। अब स्टूडेंट मैंने ये वेसल की वॉल के साथ इसका एंगल ले लिया, मैंने ले लिया ये थीटा है, लेकिन ध्यान रखें वेसल की वॉल के साथ तो एंगल ये भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें हमें वही एंगल लेना है जो क्या हो, जिस पर फ्लूइड क्या हो, फ्लूइड एग्जिस्ट करता हो, जिस पर फ्लूइड एग्जिस्ट करता हो, और फ्लूइड आप जानते हैं इसी पर एग्जिस्ट कर रहा है इस वाली वॉल से, मतलब हमारा वो जो वॉल होनी चाहिए वो डीप होनी चाहिए वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर जो भी हम ले रहे हैं उसी वॉल के साथ लेना है। तो ये वाले को हमें नहीं मेजर करना, हमें इस वाले एंगल को लेना है, ये आप समझ गए। तो इस तरह से हमारा कॉन्टेक्ट एंगल निकला। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ आपके साथ दूसरे टाइप का मेनिस्कस जो ये होता है, कौन किया मेनिस्कस, जब मरकरी को डाला जाता है किसमें, ग्लास में। सो स्टूडेंट इस तरह का जब मेनिस्कस आपका फॉर्म होगा तो अगर मैं इस वाले के साथ देखूं कि कॉन्टेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये आपका कॉन्टेक्टिंग पॉइंट है, आप समझ पा रहे होंगे आसानी से, ये आपका कॉन्टेक्टिंग पॉइंट, इस पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा। अब स्टूडेंट कोई मिस्टेक ना कर दे, कहीं कोई टेंजेंट को ऐसे ना ड्रॉ कर दे, प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिए मैं बता देता हूँ। कोई अगर टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करे मतलब उसी के अकॉर्डिंग, तो प्रॉब्लम इसीलिए होगी स्टूडेंट क्योंकि आप जानते हैं कि कर्व जो जाएगा ऐसा ही तो जा रहा है, ये कर्व इस तरह से, और ये इंटरसेक्ट हो गया, ये सेकंड बन गया टेंजेंट का प्लेस पर। सो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये इस तरह से जा रहा था, मैंने अगर यहाँ पर टेंजेंट खींचा तो ये कर्व आप जानते हैं इस तरह से कर्व हो रहा था, तो ये आपका क्या है, टेंजेंट से ही था जो लिया था। लेकिन अभी के केस में हम जानते हैं कि कर्व ऐसे जा रहा होगा, तो हमें टेंजेंट कैसे लेना चाहिए, हमें टेंजेंट ये लेना चाहिए, तो ये कर्व जब यहाँ आएगा तो टेंजेंट आप समझ चुके। सो स्टूडेंट ये आपका टेंजेंट। अब मैं क्या एंगल ये वाला लूं, क्या मैं ये वाला एंगल लूं ताकि मैं भूल पाऊं कि वॉल के साथ मैंने एंगल ले लिया टेंजेंट का, नहीं स्टूडेंट ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें आपका लिक्विड फिल नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये वाला एंगल लेना चाहिए, इसका ये वाला एंगल इस तरह से। तो स्टूडेंट इसे देख लें दोबारा से, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए देखिए स्टूडेंट ये हमारा वेसल है, इसमें हमारा इस तरह का ये हमें देखने को मिला। अब इसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो सॉरी मैंने अभी इससे पहले शायद मिस्टेक कर लिया। सो स्टूडेंट ये आपका इस तरह का यहाँ पर है, और अब अगर आप देखें कि इसमें किस तरह का फॉर्मेशन होगा देखने को मिलेगा, जो टेंजेंट है आपका ये कर्व ऐसे जा रहा है और टेंजेंट हमारा इस तरह से जो बनेगा वो ये टेंजेंट ये थीटा है। तो आपने देखा जो हमारा थीटा बन रहा है वाटर सरफेस के साथ, ये सरफेस था इस तरफ से, हमने इस तरफ से एंगल लिया, ये हमारा वाटर का सरफेस है इस तरह का, और इसमें जो हमारा एंगल आया स्टूडेंट्स वो ये आया, ये एंगल हमें देखने को मिला। क्योंकि अब आप ध्यान रखें कि ये तो आप लेंगे नहीं कंटेनर के साथ, तो हमने इस वाले एंगल को मेजर किया जो यहां से यहां तक था, ताकि हम क्या बोल सके कि हमारा ये जो टेंजेंट लिया गया है इसमें हमारा फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर जो है वो हमारा फ्लूइड क्या है, ये एंगल हमने इस तरह सबटेन किया ताकि हमारा जो एंगल बने वो लिक्विड के अंदर से होता हुआ, जैसे आपने यहां बनाया था कि लिक्विड के अंदर से होता हुआ एंगल, लेकिन अगर आप यहां से एंगल बनाते तो वो फ्री होता, वो फ्री स्पेस में होता, मतलब एयर में होता, लिक्विड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये आप समझिए कि इस तरह का एंगल हमने यहाँ पर देखा। सो स्टूडेंट वो वाइडनेस के कारण आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ जो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, वरना क्या होगा इस तरह का हमारे पास फॉर्मेशन है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस तरह से जा रहा है, और ये एंगल मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की, ये कंटेनर के साथ, ये सारा का सारा कहाँ है, एंगल फ्लूइड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, आप इजिली समझ पा रहे ये एंगल है, आराम से समझ लें जितना भी एंगल है फ्लूइड के अंदर है, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बाहर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है। सो स्टूडेंट उसे क्लियर कर ले, वो आराम से आप वो बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि टेंजेंट को आप जानते हैं कि टेंजेंट किस तरह से बनेगा एक ही पॉइंट से टच करा के, तो जो ये एंगल दिखाई दे रहा है बेसिकली ये एंगल वो थीटा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो गया। स्टूडेंट मैं इसकी बात कर रहा था, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा एंगल आपका किसके बीच में फ्लूइड के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये वाला एंगल, वो थोड़ा सा वाइडनेस हो गई वहां पर जो मैंने बनाया उसमें, तो आप समझ चुके हैं कि ये जो एंगल अभी यहाँ पर बनेगा थीटा, वो थीटा एंगल आपका कॉन्टेक्ट एंगल होगा। स्टूडेंट जो इसमें कुछ बातें करनी है वो आप समझ लें,
जो इससे रिलेटेड बातें होंगी, कॉन्टेक्ट एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या हो सकता है देख लीजिए। मैं अगर इसे फाइन कर दूं एक बार, ये स्टूडेंट ध्यान रखिए स्टूडेंट, ऐसा मिस्टेक जैसा मैंने करा आप ना करें। ये आपका इस तरह का कॉन्टेक्ट एंगल बने जो हमारा पूरा का पूरा हमारा कहा है फील्ड के अंदर और बॉल की बाउंड्री के साथ जो मेजर किया गया, वरना बॉल की बाउंड्री ये भी थी लेकिन इसमें फील्ड कंटेन नहीं करता इसलिए इस तरह का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका एंगल है कॉन्टेक्ट एंगल, समझ गए आप स्टूडेंट। ये कॉन्टेक्ट एंगल ये फॉर कॉन्वेक्स है और ये फॉर कॉन्केव। स्टूडेंट अगर मैं इसे फटाफट डिफाइन कर दूं उसके बाद मैं कुछ आपको बताता हूं, तो लिख लीजिए आप इसमें कॉन्टेक्ट एंगल, कॉन्टेक्ट एंगल इज द एंगल, कॉन्टेक्ट एंगल इज द एंगल विच इज इन बिटवीन टेंजेंट एट कॉन्टेक्टिंग पॉइंट, टेंजेंट एट कॉन्टेक्टिंग पॉइंट विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, विथ द वॉल ऑफ कंटेनर विच इज डिप्ड into the fluid, which is dipped into the fluid. Student, आपने देख लिया contact angle is the angle which is in between the tangent at contacting point with the wall of the container which is dipped into the fluid. इस तरह से आपने समझ लिया, इसे अपनी language में आपने define कर दिया कि किस तरह से ये ऐसा। मेन बात अब इसमें समझ चुकी थी कि किस तरह से फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो दो बातें इसकी वन मार्क्स में कैरी हो सकती है वो स्टूडेंट वहां देख लीजिए, आपको बता देता हूँ या आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी इसे रब करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए जो स्पेशलिटी इसमें आ सकती है वो क्या हो सकती है, हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव मैं किस तरह के कॉन्टेक्ट एंगल के बीच में हम क्या कुछ स्पेशलिटी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है सिर्फ उसके कॉन्टेक्ट एंगल में। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका कॉन्टेक्ट एंगल बना है वो कैसे बना है, यहाँ ये आपका मतलब एक्सेस है जिससे आप मेजर कर रहे हैं उससे आपका एंगल यहाँ से कैसा हुआ 90 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर मैं मेजर यहां से कर रहा हूं और ये आपका इस तरह से 90 डिग्री होगा तो आप मेजर करते हुए गए 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 और आपका एंगल तो यहां बन रहा है इस तरह का, तो ये आपका क्या है मोर देन 90 डिग्री विच इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल है आपका जो कि क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री इस तरह से। स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें तो आपका देखिए जरा ये आपकी एक्सेस है और उससे आप सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चले और आपका थीटा मेजर हो गया, तो स्टूडेंट ये क्या है लेसर देन 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री सो इट इज एक्यूट एंगल। सो स्टूडेंट आपने देखा फॉर कॉन्केव मेनिस्कस देयर इज एंगल विच इज लेसर देन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू एक्यूट एंगल एंड वाइज वर्सा फॉर दिस। सो स्टूडेंट आपने देखा कि कॉन्वेक्स के लिए अगर हम एंगल देखें आपका ये कॉन्टेक्ट एंगल वो कितना आएगा मोर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो आप इसीलिए इन दोनों से सिर्फ कॉन्टेक्ट एंगल के बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं किस तरह का मेनिस्कस बना होगा। तो अगर आपका मोर देन 90 डिग्री का एंगल आता है कॉन्टेक्ट का तो समझ जाए कि मोर देन 90 तभी आया होगा जब इस तरह का सिचुएशन होगा, मतलब कि क्या डिप्रेशन हुआ होगा इसका मीनिंग है कि कॉन्वेक्स बना होगा, जबकि लेसर देन 90 आए तो आप समझ जाए कि इस तरह का एक बना होगा यू शेप बना होगा जो कि कब बनता है कॉन्केव के टाइम, और कॉन्केव का जब हमारा मेनिस्कस इस तरह का डाउन बना हो और हमारा एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय रूट लॉ। सो स्टूडेंट ये आपने देखा ये बेसिक जो थिंग्स थी हमारे पास कॉन्टेक्ट एंगल और मेनिस्कस से रिलेटेड वो ये है, जबकि हमें मेनिस्कस के बारे में भी डिटेल में कुछ और भी पढ़ना है जो हम आगे कवर करेंगे ड्यूरिंग्स लॉ आगे आएगा, अभी उसके बाद हमने एक्सेस प्रेशर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।